अघोरी, अघोरी नाम सुनते ही सभी के मन में ऐसी तस्वीर सामने आती है जिनकी लंबी जटाएं, जिसका पूरा शरीर राख से लिपटा होता है। उन्होंने गले में मुंड मालाएं पहनी होती हैं और माथे पर चंदन का तिलक लगाया होता है। ये डरावना रूप हर किसी के मन में भय पैदा करता है। कौन होते हैं अघोरी, कहां और कैसे करते हैं ये साधना, कैसा होता है इनका स्वभाव, आइए चलते हैं अघोरी के चौंका देने वाली दुनिया में। अघोरी, अघोरी का मतलब है घोर, घोर यानी भयानक। अघोरी मतलब जो भयानक से परे हो। ये वो साधु संत हैं जो तंत्र साधना में लीन होते हैं। ये अक्सर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देने के लिए शमशान के सन्नाटे में दिखाई देते हैं। अघोरी बनने के लिए सबसे पहली शर्त होती है मन से घृणा को खत्म करना। जिन चीजों से मनुष्य जाति घृणा करती है, उन चीजों को अघोरी साधु अपनाते हैं। मान्यता के अनुसार अघोरी शिव को अपनी प्रेरणा मानते हैं, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव ने अघोरी मार्ग की उत्पत्ति की थी। शिव पुराण के अनुसार एक बार राजापति दक्ष एक सभा में आए जहां यज्ञ चल रहा था। राजापति दक्ष जैसे ही सभा में आए तो सभी उनको सम्मान देते हुए खड़े हो गए, किंतु भगवान शिव और ब्रह्मा जी बैठे रहे। राजा दक्ष को बहुत गुस्सा आया। वह सोचे, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, इसलिए खड़े नहीं हुए, किंतु भगवान शिव मेरी बेटी के पति हैं और मेरे सम्मान में नहीं खड़े हुए। इसी क्रोध में उन्होंने शिव को श्राप देते हुए कहा कि शिव किसी भी यज्ञ में शामिल नहीं होंगे। शिव ये बात सुनकर मौन रहे, किंतु नंदी बैल सुनकर क्रोधित होकर राजा दक्ष को श्राप देते हुए कहा कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो सभी ज्ञान रहित हो जाएंगे और भूख मिटाने के लिए घर घर भिक्षा मांगनी पड़ेगी, इसलिए आज भी ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं। ये सुनने के बाद राजा दक्ष ने शिव को फिर से श्राप देते हुए कहा कि शिव के भक्त जो होंगे वो वेद शास्त्रों के विपरीत होंगे। वो जटा धारण करेंगे, शरीर में भस्म लगाएंगे और शमशान घाट उनका पूजा का स्थान होगा। यही कारण है जिसे आज भगवान शिव अघोरी का रूप लेना पड़ा और उनके भक्त अघोरी कहलाते हैं। अघोरी खुद को शिव में पूरी तरह से लीन कर देना चाहते हैं। शिव को पाने के लिए ये अघोरी सब पे बैठकर साधना करते हैं। ये सब से शिव की प्राप्ति का रास्ता बहुत कठिन होता है। माना जाता है ये रास्ता अघोरी शिव को पाने के लिए शॉर्टकट माना जाता है, किंतु ये रास्ता बहुत मुश्किल माना जाता है। मान्यता के अनुसार शमशान घाट में अघोरी तीन तरह की साधना करते हुए पाए जाते हैं। पहली शमशान, दूसरी शिव साधना और तीसरी सब साधना। जब अघोरी सब के ऊपर पैर रखकर साधना करते हैं तो वो सब साधना कहलाती है। इस साधना में प्रसाद के रूप में मुर्दे को मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। शिव साधना जिसमें सब के ऊपर एक पैर में साधना की जाती है, और शमशान साधना जिसमें शमशान में हवन किया जाता है। कहते हैं अघोरी का स्वभाव बहुत रूखा होता है। ऊपर से भले ही ये आपको रूखे दिखाई देते हैं, लेकिन इनके मन में जन कल्याण मतलब संसार के कल्याण की भावना होती है। कहते हैं अघोरी किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में पीछे नहीं हटते, और ये जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं उनको तंत्र विद्या सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कहते हैं प्रसन्न होकर अपनी जटा से एक बार निकाल कर देते हैं, और बोला जाता है कि ये अघोरी के बाल से कोई भी कामना पूरी हो जाती है, परंतु इनका गुस्सा बहुत भयानक होता है। अगर आपने अघोरियों को देखा होगा तो आपने देखा होगा अघोरी हमेशा अपने साथ इंसानी खोपड़ी जरूर रखते हैं। अघोरी मानव खोपड़ी को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है अघोरी को ये प्रेरणा शिव से मिली है। पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है
कि शिव ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का सर धर से अलग कर दिया था और सर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाया था। इसी रूप के कारण से अघोरे भी अपने साथ नर मुंड धारण करते हैं। अघोरी का मानना है कि हर व्यक्ति अघोरी के रूप में जन्म लेता है। उनका कहना है कि जैसे एक नन्हे बच्चे को अपनी सुगंध और गंदगी का बीच का अंतर समझ नहीं आता, वैसे ही अघोरी को अच्छाई और बुराई का बीच का अंतर समझ नहीं आता। उनके लिए सब एक बराबर है। उनके लिए मांस खाना एक आम बात है, क्योंकि उनको लगता है किसी मरे हुए चीज को खा रहे हैं, वह किसी को मारकर नहीं खा रहे। बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोरी की साधना में इतना बल होता है कि वो मुर्दे से भी बात कर लेते हैं। हाँ, आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है, किंतु ये बात बिल्कुल सच है। उनकी साधना को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। अघोरी हमारी आम दुनिया से कटे हुए होते हैं। वह हमेशा अपनी दुनिया में एकांत में मगन रहते हैं और रात में शमशान में साधना करते हैं। मान्यता है आज भी ऐसे शक्तिशाली अघोरी साधु हैं जो सारी शक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं। आज भी ऐसे अघोरी हैं जिन्होंने पांचों शक्तियों को अग्नि, वायु, जल, हवा और आकाश अपने वश में कर रखा है। ये देवताओं से भी ऊंचे होते हैं। आज भी ऐसे अघोरी हैं जो ऊंचे पर्वत पे साधना कर रहे हैं और इंसानी रूप के आगे नहीं आते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।